ये अपराजिता की बेल है। अपराजिता की बेल विष्णुकांता भी कहते हैं इस फूल को। बहुत ही खूबसूरत फूल होता है ये, दो तीन कलर में आता है, बट ये ब्लू कलर का फूल ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और इसको आप अगर आप डेली क्या फूल शंकर जी को चढ़ाएंगे तो शंकर जी आपसे बहुत जल्दी अति प्रसन्न हो जाते हैं, और विष्णु जी को चढ़ाएंगे तो आप जो मनोकामना किए हैं और वो सिद्ध जरूर सिद्ध होती है। ये एक तांत्रिक पुष्प भी कहा जाता है इसको। ये विष्णु जी और शिव जी को ये फूल बहुत प्रिय है। इस फूल को आप डेली 11 फूल 3 महीने तक चढ़ाएंगे भगवान को तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। लेकिन याद है कि बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो इस तरह ये फूल तंत्र विद्या में बहुत काम आता है और शंकर जी को और विष्णु जी को ये बहुत प्रिय है। गया में एक जो श्राद्ध कैंप जहाँ होता है वहाँ पे विष्णु पद मंदिर है, वहाँ पे इसकी माला चढ़ती है और इसके फूल चढ़ते हैं विष्णु जी को। तो ये विष्णु जी को बहुत प्रिय है। तो आप भी अपने घर में गमले में इस पेड़ को लगाएं और भगवान को इससे प्रसन्न करें। अगर पेड़ ना हो तो कहीं पेड़ लगाओ तो वहाँ से डेली क्या फूल लेके आए, सुबह खिले हुए फूल, इस टाइप के भी खिला हुआ है, ताज़ा खिला है आज का, और सुबह भगवान को नहा धो के चढ़ा दें विष्णु जी को और शंकर जी को तो आपकी जो भी मनोकामना है पूर्ण होगी। ये बहुत ही एक दुर्लभ विद्या है, ये तंत्र विद्याओं में बहुत इसका काम आता है। बहुत ही आपको शायद ये किसी ने बताया नहीं होगा, बट ये आप करके देखिए तो आपकी जो भी मनोकामना है जल्दी पूरी होगी। धन्यवाद।